अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक छोटा स्केल है और स्केल के साथ हमने जो ये डिवाइस तैयार की है और डिवाइस का जो वेट है ये कंप्यूटर के ऊपर ये आ रहा है। इस टाइम हमने 5 kg 200 ग्राम जो है ऊपर रखा हुआ है। पहले जो आपको हमने डिवाइस बनाई थी वो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस इसमें लगाई थी हमने, और इसके थ्रू वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू जो है हम यानी कर रहे थे। अब जो हम कैलिब्रेशन करेंगे इसकी वो हम कंप्यूटर के थ्रू ही इसकी हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो ये अगर मैं 200 ग्राम का ऊपर से हटा लेता हूँ डेड वेट, यहाँ से 200 ग्राम का हटा दिया तो ये आप देख सकते हैं 5 kg हमारा यहाँ पर पूरा भी इस टाइम, क्योंकि हमारा फ़ैन चल रहा है ऊपर, ये आप देख सकते हैं फ़ैन चल रहा है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर हल्की सी 10 ग्राम की जो है हल्की सी वेट वेरिएशन है। अभी फ़ैन अगर हम ऑफ कर देंगे तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो अभी मैं 200 ग्राम दोबारा रख रहा हूँ इसके ऊपर, तो आप ये देख सकते हैं कि 200 ग्राम 5 kg 200 ग्राम हमें ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये अभी इस टाइम 10 ग्राम के ऊपर चल रहा है। ये अगर मैं इसके ऊपर कोई वजन डालता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है। तो अभी मैं आपको इसकी बताऊंगा कि आप इसकी कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है डिवाइस के अंदर, तो ये सारा कुछ मैं अभी आपको इसमें हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। इसमें सबसे पहले हमने एक ये पॉइंट भी रखा हुआ है, इसका हम डिस्प्ले यानी बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर ये बटन भी हम लगाएंगे कि अगर आप इसको ज़ीरो करना चाहते हैं तो आपने हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा। ये थोड़ी देर वेट लेगा और इसको ये ज़ीरो कर देगा। तो अब अगर मैं यहाँ से 200 ग्राम का हटाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं 200 ग्राम भी यहाँ पे शो कर रहा है, और अगर मैं 5 केजी का भी यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पर ये यानी जितना भी आप मैक्सिमम वेट्स के ऊपर भी आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको दोबारा मैं ज़ीरो करता हूँ तो ये आप मैं आपके सामने आपको ये बटन प्रेस करूँगा तो ये इसको ज़ीरो कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ज़ीरो भी हो गया इस टाइम। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं। कैलिब्रेशन के लिए जो है हमने ये टर्मिनल का हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसका टर्मिनल का सॉफ्टवेयर मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टर्मिनल के सॉफ्टवेयर को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। अब आप ये देख सकते हैं कि टर्मिनल का जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो गया है। अब हमने सिंपल ये जो इसकी पोर्ट है ये कॉम पोर्ट 8 है और 96.8 और 9 के ऊपर ये सेटिंग हुई हुई है। तो हमने जो है सिंपल इसको यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये जब हम यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे वेट आना शुरू हो गया, यहाँ पर ये वेट आना शुरू हो गया। अगर मैं कोई इसके ऊपर कोई भी वजन वगैरह रखता हूँ यहाँ पर, एक मुझे कॉल आ गई, वेट आ रहा है हमारा, यहाँ हमने पासवर्ड पहले देंगे, पासवर्ड इसका है P123455500 है। उसके बाद हमने यहाँ से सेंड के बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे ये कैलिब्रेशन मोड के अंदर आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ वेट स्टैक मल्टी अनलोड, हमने सबसे पहले अनलोड करना है तो ये क्लियर कर देना है। यहाँ पे हमने एन लिख के सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जीरो एडजस्टमेंट जो है, नहीं नहीं एक मिनट के ऊपर पहुँचाते हैं सॉरी। उसके बाद वो कह रहा है कि लोड जो है वो रेफरेंस लोड हमने ऊपर रख देना है, तो रेफरेंस लोड जो है फर्स्ट ये 6 kg होगा तो हमने ये 6 kg ऊपर रख के फिर ये एन लिख के यहाँ पर नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। तो ये कह रहा है रेफरेंस वेट ऑन, ये प्रोसेस हो रहा है अभी। उसके बाद वो कह रहा है एंटर रेफरेंस वेट, जितना हमने रखा है वो हमने लिखना है, जो भी वेट हमने लिखना है। उसके बाद हमने शुरू में ई का बटन दबाना है, 006 kg हमने रखा है तो 006 लिखना है हमने। उसके बाद फिर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, वो कह रहा है मैक्सिमम लोड जो है वो आपने लिख देना है। तो मैक्सिमम लोड जो है यहाँ पे फुल कैपेसिटी इसकी 30 kg है तो 030 लिख दिया। उसके बाद फिर सेंड के ऊपर क्लिक किया, वो कह रहा है राउंड वैल्यू यानी इशारे के बाद कितने यानी डिवीजन जो है इसकी कितनी है, डिवीजन इसकी 1 रखनी है हमने। फिर E1 लिख के हम सेंड के बटन पे क्लिक कर देंगे, वेट प्रोसेस वो कह रहा है पॉइंट इशारे के बाद कितने पॉइंट आए वो हमने E2 लिख देंगे। E2 लिखने के बाद हमने सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये तो हमारा 6 kg आ गया, ये यहाँ पे 6 kg आ गया। अब अगर हम यहाँ पे हाइपर पे चेक करते हैं तो ये कॉम पोर्ट 7 है और डिपार्ट के ऊपर अगर ओके करते हैं तो यहाँ पर 6 kg लिखा हुआ।
जी फ्रेंड आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म का वेट जो है ये डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर में यहाँ वजन शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने और भी काफ़ी सारे उसके डिस्ट्रीटे लगाए हुए हैं, आप वो सामने देख सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स में मुख्तलिफ कोरियर आते हैं और ये कोरियर पूरे पाकिस्तान में यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर स्कैनिंग भी होती है उनकी और एप्लीकेशन के थ्रू।